हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुन कुसरे, आपका अपना चैनल दर्शिल आर्मी पुलिस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज की तारीख है 3 तारीख दोस्तों। चलो आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इस तरीके से आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना बना पाए या एक नया सपना ना देख सके दोस्तों। ये आज का थॉट्स है। तो आप भी कभी किसी एम से या किसी लक्ष्य से ना चूकी है। अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाते तो आगे बढ़ते रहिए, कुछ नए सोच के, नए प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए। कल का सवाल था दोस्तों, लाइफ लाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो इसका ऑप्शन था, इसका आंसर है मुंबई। मुंबई से लाइफ लाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। लाइफ लाइन इसका मीनिंग होता है हॉस्पिटल ऑन व्हील, HOW, हॉस्पिटल ऑन व्हील। जो गरीबों के इलाज के लिए शुरू की गई थी लाइफ लाइन का हेडक्वार्टर इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स स्टेशन यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई से। इसका उद्घाटन शुरुआत हुई थी मुंबई से। CST सेंट्रल रेलवे बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में, उसी तरह इसे वेस्टर्न रेलवे बोर्ड का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में। दोनों सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे दोनों मुंबई में, इतना आपको याद रखना है। और लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था मुंबई से, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी सेफ सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? सेफ सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों सिंगापुर। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर ओसाका, तीसरे स्थान पर सिडनी और हमारा जो मुंबई है। 60 देशों की रैंकिंग है दोस्तों सेफ सिटी इंडेक्स। उस 60 सिटियों में हमारा मुंबई 45 नंबर पे आता है और दिल्ली आता है 52, 52वें नंबर पे। इतनी चीज़ें हमें याद रखना है सेफ सिटी इंडेक्स के बारे में। देखो दोस्तों, मुंबई रैंक 42 एंड दिल्ली 52 ऑनवर्ड सेफ टू डिस टोक्यो सेफ्टी स्टडी के हिसाब से। सिंगापुर और ओसाका यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। जो पश्चिम स्थान पर आता है सिंगापुर, उसी हिसाब से ग्लोबल पीक इंडेक्स में इंडिया का रैंक आता है 141 ग्लोबल पीक इंडेक्स में, और पहले स्थान पर आता है आइसलैंड। उसी हिसाब से SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोब, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोब इंडेक्स में इंडिया का रैंक आता है 95। उसी हिसाब से डेमोक्रेटिक इंडेक्स में इंडिया का रैंक आता है 41। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक आता है 140 हुआ। उसी के साथ करप्शन इंडेक्स में इंडिया का स्थान आता है दोस्तों 78, और इसमें फर्स्ट स्थान पर है डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है दोस्तों और इंडिया में 78 नंबर है। और जो सेफ सिटी इंडेक्स को किसने जारी किया है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने सेफ सिटी इंडेक्स को जारी किया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है? तो हमारे जो मोदी जी ने 29 अगस्त 2019, इस दिन क्या होता है दोस्तों, इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इनका जन्मदिवस होता है दोस्तों, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली से इसकी शुरुआत की थी नेशनल स्पोर्ट डे के दो दिन। और फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य है कि सारे देशवासी फिट रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, जिस तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो के अंत में। तो फिट इंडिया मूवमेंट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसी दिन, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बांटा गया था, जो दो लोगों को 2019 का दिया गया है। पहला दिया गया है दीपा मलिक को और दूसरा दिया है बजरंग पुनिया को। दीपा मलिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों क्योंकि पहली पैरा एथलेटिक है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला गया है। और मैंने इसके पहले भी बताया दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि होती है 7.5 लाख रुपये। हमने पिछले
पिछले वीडियो में ये देखा था दोस्तों कि किस पुरस्कार की राशि 5 लाख नहीं होती, तो उसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 5 लाख नहीं होती दोस्तों, वो 7.5 लाख रुपये होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली, जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे, उनके नाम पर कर दिया गया है दोस्तों। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो बजरंग पुनिया और दीपावली को दिया गया है, उसी हिसाब से ये बात ध्यान में रखना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में। और इसका ये जो फर्स्ट मिला था, पहला राजीव गांधी खेल रत्न मिला था विश्वनाथन आनंद को, जो चेस प्लेयर है, इतने फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। और प्रधानमंत्री फिट इंडिया मूवमेंट के ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वॉक टू वर्क अभियान शुरुआत की थी, इसका भी संबंध इनडायरेक्ट डायरेक्टली फिट इंडिया मूवमेंट से दोस्तों, तो ये शुरुआत की थी मेघालय से, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मेघालय से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, जहाँ के सीएम है कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा, वहाँ के गवर्नर तथागत राय। मेघालय इसलिए भी फेमस है दोस्तों क्योंकि मेघालय में भारत और चाइना के बीच हैंड टू हैंड एक्सरसाइज पिछले हफ्ता संपन्न हुई थी, और जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी मेघालय है, तो वॉक टू वर्क ये जो मुहिम है ये मेघालय राज्य ने शुरू की है दोस्तों, इतना हमको याद रखना है। एक कॉर्नर संगमा, बढ़ते दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिन्होंने मूवमेंट शिलोंग से स्टार्ट किया। हाल ही में यू ई एफ ए वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ दोस्तों, आप तस्वीर अगर जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यू ई एफ ए का वुमेन, देखो दोस्तों इस बात को गहराई से ध्यान रखना, प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं बोला है, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर बोलता तो सिर्फ पुरुष का होता, लेकिन यहाँ बोला गया वुमेन, वुमेन का था दोस्तों लूसी बोन्स को वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर UEFA दिया गया है, यह लूसी बोन्स UEFA के तरफ से लूसी बोन्स को वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। उसी हिसाब से दोस्तों पुरुष में विर्गिल वेन डिस्क, ऑप्शन नंबर डी, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जो नेदरलैंड के। UEFA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, UEFA का लॉन्ग फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 जून 1954 में, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू स्विट्जरलैंड में, और जिसके हाल ही में प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर सिफेरिन। फीफा रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है, ये सवाल पूछ सकता है दोस्तों, तो फीफा रैंकिंग में इंडिया का रैंक है दोस्तों 103, 103 फीफा रैंकिंग में इंडिया का रैंक है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का सवाल दोस्तों आप लोगों के लिए, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये हाल ही में कुछ दिनों पहले चेंज हुए दोस्तों, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट दोस्तों।